स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 केमिस्ट्री से बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रियाओं को पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। दोस्तों यदि आप 12th क्लास में हैं और आप इस बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो आज का ये वीडियो लेक्चर बच्चों आप लोग के लिए बहुत ही विशेष होने वाला है, क्योंकि बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं जो आप लोगों को 5 इम्पोर्टेंट अभिक्रियाएं कराने वाला हूं, ये बच्चों बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसलिए वीडियो लेक्चर का पूरा एक बार जरूर देखें, पूरा कॉन्सेप्ट आपको इन अभिक्रियाओं का समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हमें जिन रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ना है वो हमने ऑलरेडी स्क्रीन पर लिख रखी है, ठीक है। अब देखिए बारी बारी से इनको पढ़ते हैं, इनको सोल्यूशन इनका समझते हैं। तो पहली रासायनिक अभिक्रिया बच्चों ये है फॉर्मल्डिहाइड की टोलन अभिकर्मक से अभिक्रिया, ठीक है। यानी आपसे पूछा जाएगा क्या होता है जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया टोलन अभिकर्मक से कराई जाती है, ठीक है। तो देखिए पहले क्वेश्चन का हम जवाब देख रहे हैं, देखिए सॉल्यूशन में देखेंगे पहली रिएक्शन क्या होगी। देखिए पहली रिएक्शन बच्चों ये है, कहा क्या फॉर्मल्डिहाइड, बच्चों फॉर्मल्डी क्या है, एक एल्डिहाइड है, ठीक है। यानी इसके अंदर CHO ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों HCHO, ये है बच्चों फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। इसकी अभिक्रिया किससे हो रही है बच्चों, टोलन अभिकर्मक का सूत्र होता है बच्चों सिल्वर डाइऑक्साइड यानी Ag2O, ये है बच्चों टोलन अभिकर्मक, ठीक है। इसकी अभिक्रिया जब होगी बच्चों तो क्या बनेगा, ध्यान समझे, देखिए देखो बच्चों यहाँ पे बनेगा फॉर्मिक अम्ल, क्या बनेगा फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। अब वो बनेगा कैसे उसको समझिए, देखो ये वाला ऑक्सीजन है उसके साथ ऐड करेंगे तो कैसे HCOOH, ठीक है। इसको देखिए ध्यान से, देखो H एक एच दो एच है, देखो दो एच बिल्कुल ठीक है, कार्बन एक है, बिल्कुल कार्बन एक है। अब देखो एक ऑक्सीजन बची है, अगर एक ऑक्सीजन आ गया यानी सिल्वर डाइऑक्साइड एंड टोलन अभिकर्मक का जो ऑक्सीजन है वो इसके अंदर आकर ऐड हो गया, तो इन दोनों ऑक्सीजन को हमें साथ साथ लेगा, तो ये बना बच्चा आपका फॉर्मिक अम्ल। साथ में बच्चा आपका बना 2Ag, जिसको हम बोलते हैं तो रजत दर्पण, क्या बोलते हैं सोचो हम रजत दर्पण, ठीक है। अच्छा ये क्या बच्चे, ये है फॉर्मिक अम्ल, क्या बच्चे ये है फॉर्मिक अम्ल या फॉर्मिक एसिड, ठीक है। और ये क्या था बच्चों, ये था आपका फॉर्मेल्डिहाइड और ये है आपका बच्चे टोलन अभिकर्मक। चलिए छोटे में लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, देखिए कितना आसान रिएक्शन थी बच्चों, फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया जो हम टोलन अभिकर्मक से कराते हैं, ठीक है। तो क्या फॉर्मिक अम्ल हमें मिलता है और साथ में हमें रजत दर्पण यानी सिल्वर का हमें काला अवक्षेप मिलता है, ठीक है। तो आइए बच्चों ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट रिएक्शन क्या बच्चों, क्या आया देखिए नेक्स्ट रिएक्शन बच्चों फेलिंग विलियन की फॉर्मल्डिहाइड से अभिक्रिया, ठीक है। तो देखिए फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया आप पहले देखो फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया यहाँ पर थी टोलन अभिकर्मक से, यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया किससे है बच्चों फेलिंग विलियन से, ठीक है। तो देखिए कराते हैं सभी क्रिया को HCHO, ठीक है। ये तो क्या हो फॉर्मल्डिहाइड हो गया, ठीक है। और इसकी अभिक्रिया होती है बच्चों किससे, किससे करानी है हमें फेलिंग विलियन से करानी है। तो फेलिंग विलियन का फॉर्मूला होता है बच्चों TCUO, ये है बच्चों फेलिंग विलियन, ठीक है। अब इससे जो अभिक्रिया होगी, ठीक है। तो देखिए क्या बनेगा, फिर से देखो फॉर्मिक अम्ल बनेगा यानी एक ऑक्सीजन बच्चों यहाँ पर आ जाएगा, तो देखो फिर से फॉर्मिक अम्ल बनेगा HCOOH, क्या बच्चों फॉर्मिक अम्ल बना, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्योंकि दो आगे लगा है यहाँ पर दो ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ऑक्सीजन तो एक ऑक्सीजन यहाँ पर काम में आ चुकी है, तो यहाँ पर जगह दो CU बचे और एक ऑक्सीजन बचा, तो इसको बच्चों हम लिखेंगे CU2 और ये O, ठीक है। ये सिल्वर ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड का लाल अवक्षेप होता है, लाल अवक्षेप होता है, अब छेप यानी परखनली में ये नीचे बैठ जाता है। जब हम फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया फेलिंग विलयन से करते हैं यानी कॉपर ऑक्साइड के विलयन से करते हैं, ठीक है, तो फॉर्मिक अम्ल बनता है और साथ में कॉपर ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये देखो इसमें जो प्रोडक्ट बना है वो बिल्कुल सेम बना है ना, ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है और ये क्या बच्चे ये फेलिंग विलयन है, क्या बच्चे फेलिंग विलयन याद रखना, फाइलिंग विलियन का सूत्र क्या है 2CUO है और टोलन अभिकर्म का जो सूत्र बच्चों वो क्या है Ag2O है, ठीक है। ये फॉर्मल्डिहाइड ही था। तो आइए बच्चे ये दोनों अभिक्रिया आपको समझ में अच्छे से आ गई होंगी, ठीक है। तो देखिए तीसरी रिएक्शन बच्चे क्या है, क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया सिल्वर चूर्ण से करा रहे हैं, क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया
सिल्वर चूर्ण से कराते हैं, ठीक है। तो देखिए हम देखिए इन दोनों को साफ कर देता हूँ, क्योंकि दोनों का जवाब तो यहाँ आ चुका है, ये पहले का जवाब हो गया, दूसरे अभिक्रिया का जवाब हो गया, ठीक है। अब तीसरा जवाब हम ऊपर लिख लेते हैं, देखिए यहाँ पे इसको हटा देते हैं। देखिए क्या है, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का जो फार्मूला होता है बच्चे वो होता है CH Cl3, ठीक है। IUPAC नाम है इसका, ट्राई क्लोरोमेथेन इसको बोलते हैं, ठीक है। इसकी अभिक्रिया होनी है बच्चे किससे होनी है, सिल्वर चूर्ण से, यानी एजी से अभिक्रिया होनी है, ठीक है सलमा। और एजी के बच्चे यहाँ पे 6 मोलिकूल लेते हैं, कितने बच्चे 6 मोलिकूल लेते हैं, और क्लोरोफॉर्म के बच्चे 2 मोलिकूल लेते हैं, ठीक है। ऐसे करने पे क्या होगा, देखो देखो यहाँ पे कार्बन 2 है आपके, हाइड्रोजन 2 है, लेकिन Cl कितने बच्चे 6 है, तो 2 3 6 हो जाएगा, तो ये जो 6 Cl है बच्चे 6 Ag के साथ निकल जाएंगे, यानी आपका 6 AgCl बन जाएगा, 6 AgCl बनेगा, ठीक है। और साथ में क्या बना बच्चे, देखो आपका देखो 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, इसको लिख रहे हैं कैसे, ये बच्चे CH ट्रिपल बॉन्ड और CH, इसको बोलते हैं बच्चों एसिटिलीन, क्या बोलते हैं बच्चों, एसिटिलीन इसको बच्चों बोला जाता है। अभी पेशी नाम क्या है इसका, एथाइन, ठीक है। और ये बच्चों क्लोरोफॉर्म है जिसके 2 मॉलिक्यूल थे, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। और ये तो सिल्वर है ही, तो बच्चे जब हम सिल्वर की अभिक्रिया, सिल्वर चूर्ण की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से कराते हैं, ठीक है, तो क्या मिलता है बच्चों, एसिटिल लीन मैन मैन प्रोडक्ट रूप में प्राप्त होता है, और साथ में हमें सिल्वर ऑक्साइड का अक्षेप भी प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन थी, बहुत आसान है ना, समझ में आ गई होगी, ठीक है। देखिए अगले रिएक्शन करते हैं, इसको हटा देते हैं, देखिए क्योंकि तीसरे का जवाब तो ये आ चुका है, तीसरी अभिक्रिया बच्चों ये आ चुकी है, चौथी अभिक्रिया क्या है, देखो उसको आंसर समझ लेते हैं। चौथी अभिक्रिया बच्चों ये है सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। कई बार क्वेश्चन ये आता है क्या होता है जब सोडियम फॉर्मेट को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, ठीक है। तो सोडियम फॉर्मेट को देखो क्या फॉर्मूला होता है, सोडियम फॉर्मेट ये होता है HCOONa, ये है बच्चे सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे इसके 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, कितने लेते हैं बच्चे 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है। अच्छा जब इसको हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं बच्चे हम गर्म करते हैं, और टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, लगभग 633 केल्विन रहता है, 633 केल्विन बच्चे इसको हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आपको अच्छा दिखाने के लिए जो 2 मॉलिक्यूल है ना, मैं इसको अलग अलग लिख देता हूँ, देखो HCOONa ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। अब जब इसको गर्म करेंगे तो बच्चे यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, H2 गैस, यानी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, यानी एक एच ये और एक एच ये, यहाँ पर ये बच्चों हाइड्रोजन गैस यानी H2 गैस यहाँ से ये रिलीज होती है, ठीक है, समझ मारिए आप लोगों को मेरी बात, ये है बच्चों हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अच्छा अब बना क्या, देखो COONa और COONa ये आपस में जुड़ जाते हैं, COONa ये हो जाएगा और COONa बच्चों ये हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं बच्चों सोडियम ऑक्सीलेट, क्या बोलते हैं बच्चों, सोडियम ऑक्सीलेट, ठीक है। अभिक्रिया मैं कर चुका हूँ, देखिए यहाँ से इसको हटा देता हूँ, इसके नाम लिख देता हूँ, ठीक है। सोडियम फॉर्मेट को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, तो इसका जवाब ये आ चुका है, यानी रिएक्शन नंबर 4 है, ठीक है। तो इसको देखिए क्वेश्चन को मैंने इसको यहाँ से हटा दिया, नाम क्या बच्चे इसको बोलते हैं सोडियम फॉर्मेट, क्या बोलते हैं बच्चों इसको, सोडियम फॉर्मेट, ठीक है। और ये बच्चे सोडियम ऑक्सीलेट, क्या है सोडियम ऑक्सीलेट, ठीक है ये। अच्छा अगली अभिक्रिया क्या है, अगली अभिक्रिया बच्चों लास्ट अभिक्रिया, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया या क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया NaOH से होती है, यहाँ सब अभिक्रिया रह गया, यानी क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया में किससे करानी है बच्चों, NaOH से करानी है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे याद है क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किससे, NaOH से करानी है, ठीक है। अब क्लोरोबेंजीन क्या होता है, देखिए हम बेंजीन की स्ट्रक्चर बनाए तो क्लोरोबेंजीन जो होता है बच्चों वो ये होता है, ठीक है, ये बेंजीन के ऊपर Cl, ठीक है, ये पांचवी अभिक्रिया आपकी, ठीक है। ये अभिक्रिया हम NaOH से कराते हैं, NaOH से, ठीक है। तो क्या होगा देखो यहाँ से, ये बच्चे क्या होगा, एक Na और ये Cl, यहाँ से NaCl हो जाएगा, निकल जाएगा, और ये OH है ना इसके ऊपर आ जाएगा, यानी बेंजीन के ऊपर जब OH आएगा तो बच्चे क्या बन जाएगा, ये फिनॉल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बेंजीन के ऊपर, यानी ये फिनॉल बन गया, ठीक है। और ये बना क्या बच्चों, NaCl, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बना, तो ये क्या बच्चे, ये फिनॉल, ये क्या है, ये फिनॉल बना है, ठीक है। और ये क्या थी बच्चों, क्लोरोबेंजीन थी, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जब बच्चों हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH से कराते हैं, तो मैन कंपाउंड मैन प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है बच्चों, हमें
फिनोल मिलता है, ठीक है, और साथ में हमें एक अणु NaCl यानी साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड का ही मिलता है, ठीक है। तो बच्चों ये 5 लेसन थी, आई होप बच्चों आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। और बच्चों ये बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट ये है कि एक बार इन वीडियो इन सारी अभी क्रियाओं का आप रिविजन जरूर करें। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस प्रकार हमारी वीडियो कंटिन्यू चाहते हैं फिजिक्स 12th क्लास फिजिक्स की और केमिस्ट्री की, ठीक है। तो आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन यानी घंटे का चिन्ह जरूर दबाएं, ताकि जैसे जैसे हमारी वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।